झांसी के समथर थाने में तैनात महिला सिपाही ने अपनी खाकी का रौब सफेद लिबास वाले डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर ने लिखित रूप से शिकायती पत्र मोट पुलिस क्षेत्र अधिकारी एवं स्वास्थ्य केंद्र के सुपरिटेंडेंट को दिया है। मोट स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर चित्रांगत का आरोप है कि 16 दिसंबर को 24 वर्षीय मांडवी देवी का डॉक्टरी परीक्षण कराने समथर थाने में तैनात महिला सिपाही आई थी, जहां डॉक्टर के कक्ष में घुसकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए तुरंत MLC का दबाव बनाया। डॉक्टर का आरोप है कि इस दौरान वह इमरजेंसी मरीजों को देख रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ देर रुकने के लिए कहा, जिसकी वजह से खाकी लिबास में खड़ी महिला सिपाही का सिंघम स्टाइल जाग गया और महिला सिपाही ने सफेद लिबास वाले डॉक्टर साहब को अपने पुलिसिया अंदाज में तुरंत MLC करने की हिदायत दे डाली। जब फार्मासिस्ट ने उच्च अधिकारियों से शिकायत करने का हवाला दिया तो महिला सिपाही फार्मासिस्ट से भी अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगी। स्वास्थ्य विभाग में तैनात चिकित्सकों की टीम ने लिखित रूप से CO कार्यालय में शिकायत देते हुए ऐसे सिपाहियों पर कार्यवाही करने के साथ साथ अस्पताल में न भेजे जाने का शिकायती पत्र दिया है। ये डॉक्टर चित्रांगद MS सर्जरी वाले ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात थे। शाम के समय एक महिला कांस्टेबल जो कि समथर में पोस्टेड हैं, उनका नाम मोहिनी कुमारी है, अपने एक MLC करवाने के लिए ट्रॉमा सेंटर आई थी। तो डॉक्टर साहब के द्वारा बताया जा रहा है कि ये महिला कांस्टेबल अभद्रता कर रही थी और जल्दबाजी कर रही थी MLC करवाने के लिए, जबकि वहाँ पे मरीज बैठे हुए थे और डॉक्टर साहब मरीज देख रहे थे। तो कहीं शिकायत की है इसकी? जी, डॉक्टर साहब ने एक एप्लीकेशन CO साहब के लिए भेजा था।